इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सिक्स स्टार्ट करेंगे तो, तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं कर सकते के आपको यहाँ पे वन चाहिए स्टार्टिंग में सो तो क्या करोगे आप वन के लिए यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव चल रहा है कॉश एक्स तो आप लेट कर लोगे सबसे मेथड अप्लाई कर लेंगे

कंप्लीटली पार्शल फ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है सो so, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन दस ठीक है ए अपॉन वन माइनस टी प्लस बी अपॉन टू माइनस टी ठीक है अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे अब यहाँ पे हमने एलसीम लेना है ठीक है एलसीएम ले लेंगे एलसीम से कट आउट हो जाए कैंसल आउट हो जाएंगे ठीक है दोनों साइड बहुत साइड हमारे पास बचेगा वन इजिकल टू ए टू माइनस टी प्लस बी इन ब्रैकेट वन माइनस थ्री अब यहाँ पे कुछ हमें ऐसा पुट करना है गाइस कि जिससे कि एक ब्रैकेट हमारा जीरो बन जाए और एक ब्रैकेट से हमारी वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे टू है यहाँ पे अगर हम टू रख देंगे तो टू माइनस टू इगल्स टू जीरो वन माइनस टू इज टू माइनस वन तो हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अब यहाँ पे हम क्या रख दें वन रख देते हैं वन वन जीरो टू में से वन जाएगा 1 आ जाएगा ए की वैल्यू वन आ जाएगी हमारी यहाँ पे हमें से इंटीग्रेशन ले, ले लेंगे इंटीग्रेशन ए अपॉन वन माइनस टी बी अपन टू माइनस ट्री जब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाती है देन क्वेश्चन को बस सॉल्व करना होता है हमें बहुत इजी हो जाता है ठीक है जो कि तो ए अपॉन वन माइनस ट्री ए की जगह वैल्यू रख देंगे बी की जगह वैल्यू रख देंगे देन वन अपी क्या होता है लॉफ्टी वन अपी क्या होता है लॉफ्टी टी जगह किसने ले ली ठीक है वो लिख देंगे उसके बाद हमारा आता है वन अपॉन टी टी की रियल वैल्यू क्या होती है यहां पे हमने देखे थे ना रियल वैल्यू साइन तो सेम यहां पे करना है टी की रियल वैल्यू रख देने ठीक है उसके बाद क्या है हमारा साइन लॉगे माइनस लॉग बी तो हम यहाँ पेग की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे टू माइनस अपॉन लॉग बी क्योंकि यहाँ पे माइनस की टर्म चल रही है तो हमने इसको यहाँ पे ए माना है और इसको यहाँ पे हमने बी माना है ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आइए क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन में क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, 18 में, में गिवन है, I fraction, आपके पास न्यूमिनेटर की पावर है वो लेस देन होनी चाहिए ड्यूमिनेटर की पावर से सो so यहाँ पे नहीं है ऐसा तो आपको क्या करना है को हम वाई कर लेंगे लेट हमको हम आंसर वाई के टर्म में नहीं लेके आएंगे डोंट वर टेंशन मत लो हम यहाँ पे आंसर लिख के आएंगे की ही टर्म में। बट अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को करेंगे ना कि एक्स को लेट करेंगे ओके यहाँ पे ओपन कर देंगे वाई स्क्र प्लस थ्री वाई प्लस टू वाई स्क्स सेवन वाई प्लस ट्वेल्व ठीक है उसके बाद हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दोनों इक्वल है वाई स्क्वायर स्क्वेयर कैसे इनको इम्प्रॉपर से प्रॉपर करते हैं ये वाला मेथड अप्लाई करके हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं सो गाइस यहां पे क्या करना है आपको वाई स्क्र प्लस थ्री वाई प्लस टू इधर आ जाएगा और वाई स्क्र प्लस जो डिनोमिनेटर है वो इधर आ जाएगा ठीक है जो न्यूमिनेटर है वो इधर आ जाएगा अब क्या करना है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं वन से कर देते हैं वन से कर देंगे देन आ जाएगा हमारा माइनस फोर वाई माइनस टेन वन अभी किसकी फॉर्म में लिख दिया आप लोगों ने क्यू प्लस आर अपॉन डी ठीक है इसकी फॉर्म में लिख दिया क्यू प्लस माइनस माइनस आर अपॉन डी ठीक है वही कर दिया सेम अब यहां पे वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस ट्वेल्व को दोबारा से उसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म से खोला था उसे उसी फॉर्म में लिख दिया वाई प्लस थ्री प्लस वाई प्लस फोर ओकी उसके बाद अब हमारा क्या अब हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है गाइस देखो यहाँ पे अब हमारे y स्क्वायर करेंगे लेकिन यहाँ पे 4y है हमारे पास तो 1 का हम अभी छोड़ देते हैं इंटीग्रेशन अभी पहले इसका करते हैं 4y 10 y 3 a अपॉन दस, b अपॉन दस। एलसीएम ले, ले लेंगे कैंसल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमिनेटर वाली रहेगी ऐसा कुछ बनाना है क्या कि एक टर्म हमारी जीरो हो जाए और एक टर्म एक टर्म से हमारा आंसर आ जाए तो वही करेंगे b की वैल्यू सिक्स a की वैल्यू माइनस टू ठीक है अब यहाँ पे हमारे जब a और b की वैल्यू आ गई है देन हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो गया सॉल्व करना अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन ले लेंगे वन माइनस ए अपॉन दस प्लस बी अपॉन दस ए की वैल्यू रख देंगे बी की वैल्यू रख देंगे एलसीएम अब यहाँ पे ना जो वन था ना हमने दोबारा अगेन लिया है वन का इंटीग्रेशन तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे हम अब यहां पे हम तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन टू अपॉन उपा एक्स प्लस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री को हम रूट थ्री का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ठीक है प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन सिक्स अपॉन एक्स स्क्स टू का स्क्वायर ठीक है इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स टू अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए ये हमारा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला है माइनस सिक्स बाई टू प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी एक्स प्लस दिस एंड दिस

अब यहाँ पे हमारे सब्सिट्यूट मेथड से हमारे पास आ जाएगी वन अपॉन टी प्लस वन टी प्लस थ्री ठीक है अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे ठीक डियर यहाँ पे आपको खुद दिख रहा है एक्सक्र है पहले पहले हमने 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 उस वाले क्वेश्चन में करा करा था था लेकिन यहाँ पे आप सब्सिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपका डेरिवेटिव चल रहा है वहां कोई डेरिवेटिव आपका नहीं चल रहा था वहां सारी टर्म्स थी जो वाई स्क्र प्लस दिस वाई स्क्र प्लस दिस वाई स्क्र एक्स स्क्स दिस चल रही थी ठीक है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सब्सिट्यूशन मेथड से अप्लाई करके ये वाला हमारे पास कन्फर्म आंसर आ जाएगा वन अपॉन टी प्लस वन टी प्लस थ्री देन अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे आउट can हो जाएंगे डिनोमिनेटर वाले टर्म्स उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अब हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू ए टी प्लस थ्री प्लस बी टी प्लस वन ठीक है अब यहाँ पे हमें t की वैल्यू t की वैल्यू डाल देंगे b की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ ए की टी की वैल्यू अगेन डाल देंगे माइनस वन अगेन कोई सी भी ए की वैल्यू हो जाएगी हाफ ठीक है अब जब आप पे ए और बी की वैल्यू आ जाती है देन क्वेश्चन तो ईजिली हो जाता है सोल्व तो देखिए अब आपको क्या करना है आईजिकल्स टू इंटीग्रेशन ए अपॉन टी प्लस वन बी अपॉन टी प्लस थ्री ए की जगह वैल्यू रख दो बी की जगह वैल्यू रख दो ठीक है हाफ बार निकाल देंगे हाफ कॉमन वार निकाल देंगे वन अपॉन टी लॉक टी वन अपॉन टी लॉक टी ए माइनस बी लॉग ए अपॉन बी प्लस सी ओके क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट सो अब आती है हमारी क्वेश्चन ट्वेंटी के बारे क्वेश्चन ट्वेंटी क्या है हमारा I इक्व टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स एक्स की पावर फोर माइनस वन ओके यहाँ पे x की पावर फोर को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क् माइनस वन एक्स स्क्स वन को x माइनस वन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं तो इस टाइप से हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्सक्वेर प्लस वन ठीक है अब एक्सक्वायर प्लस वन को तो हम अब तोड़ नहीं सकते एक्स माइनस एक्स स्क्र माइनस वन को तोड़ सकते थे तो डियर यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा बस देखो ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस ये वाला हमारे को फॉर्म आ गई डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन तो यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया ठीक है एलसीएम से कट आउट हो गए कैंसल आउट हो गए उसके बाद हमारा आ गया तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है हमें बस ए बी और सी और डी और ई की वैल्यू निकालनी है यहां पे हमें पांच वैल्यू निकालनी है ठीक है ए बी सी डी और ई की ठीक है तो यहाँ पे कुछ ऐसा पुट कर देंगे बी की वैल्यू अगे वन फोर वन बाय फोर सी की वैल्यू वन बाय फोर ए की वैल्यू माइनस वन एंड फिर हमारी आएगी एक्स की वैल्यू हमने टू डाल दी देन हमारे पास एक इक्वेशन एक बन जाएगी ठीक है ये आप खुद ये तो काफी इजी है आपको ठीक है आप खुद ही ट्राई कर सकते हो, हो आप बस ये सॉल्व करना है आप सॉल्व कैसे करोगे किस, हर किसी का मेथड अलग होता है बट मैं आपको बता रही हूं आपको कर स्टेप स्टेप बाय क्या करना है सो तो पे आप की वैल्यू टू डाल के एक आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ठीक है d की e की और इसमें x की वैल्यू माइनस टू डाल के देन इधर भी आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास दो इक्वेशन आएंगी अब यहाँ पे आप जब यूजिंग हेर एलिमिनेशन मेथड कर देना ठीक है एलिमिनेशन मेथड से आपके पास d की वैल्यू भी आ जाएगी वन बाई टू अब जब d की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपके पास आ जाएगी e की वैल्यू जीरो अब आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई c की वैल्यू आ गई d की वैल्यू आ गई और e की वैल्यू आ गई तो अब आपके पास क्या रह गया अब बस आपको इंटीग्रेशन लगाना है लगा दीजिए इंटीग्रेशन जो आपके पास जिसके पास जो नहीं है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन से ठीक है अब देखो ए अपॉन दस प्लस बी अपन दस सी अपॉन दस डी अपॉन दस एक्स का वैल्यू वो क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स ठीक है यहाँ पे ए की बी की सी की डी की वैल्यू रख देंगे ए की वैल्यू माइनस वन बी की वन बाय फोर सी की वैल्यू वन बाय फोर डी की वैल्यू वन बाय टू ई की वैल्यू जीरो साइड में रख देंगे ठीक है वन अपॉन एक्स लॉग एक्स वन अपन एक्स लॉग एक्स वन अपॉन एक्स लॉग एक्स वन अपन एक्स लॉग एक्स ठीक है उसके बाद हमारा क्या होगा वाली टर्म थी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या लिख सकते थे लॉग ए बी सी तो हमने यहाँ पे वही करा है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस सी को लॉग ए बी सी तो वही है वन पॉइंट फोर लॉग एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और एक्स स्क् प्लस वन माइनस लॉग एक्स लॉग एक्स को अलग दिया लिख दिया प्लस सी वन पॉइंट फोर दिस अब ये हमारी किसकी फॉर्म थी एक्स की पावर फोर माइनस वन माइनस यहाँ पे फोर से डिवाइड कर देंगे फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर लॉग एक्स ठीक है मावन अपन फोर दिस अब यहाँ पे बी लॉग ए है बी लॉग ए है लॉग ए की पावर बी भी तो हो सकता है ये तो हमने इसको जब क्लोज करा था ओपन भी कर दिया लॉग एक्स की पावर फोर प्लस सी वैसे आपका क्वेश्चन यहाँ आता है कि मैच किसी किसी को एनसीईआरटी से मैच करना है क्वेश्चन देन आप आगे भी कर सकते हो क्वेश्चन को ठीक है तो वन बाय फोर लॉग ए माइनस लॉग बी लॉगे अपॉन बी प्लस ऑफ दिसके पावर माइनस वन अब देखो हम क्या करेंगे एनसीआर टी में पावर एक्स को लेट करा गया लेकिन हम यहाँ पर ई की पावर एक्स माइनस वन को लेट करेंगे ठीक है देन हमारे डी टी ई की पावर एक्स डी एक्स आ जाएगा एंड देन वन अपॉन टी इंटू डी टी बाईक्स वन अपॉन टी ई एक्स की पावर कैसे निकालेंगे अब यहाँ पे टी प्लस वन देखो t इक्व टू e की पावर x माइनस वन था e की पावर x निकालेंगे जब T प्लस वन आ जाएगा तो e की पावर x को T प्लस वन लिख सकते हैं सो डी अब आपको क्या करना है अब आपके पास कुछ इस टाइप की फॉर्म प्रेजेंट हो गई वन अपॉन T T प्लस वन तो A अपॉन दस बी अपॉन दस एल्सम ले लेंगे ठीक है कैंसल आउट हो जाएगा उसके बाद T की कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दीजिए जिससे A आ जाए और B की कुछ ऐसे कर दीजिए जिससे टी में अगेन कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दीजिए जिससे बी बी आ जाए तो वही कार वैल्यू बना बी की वैल्यू माइनस वन ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन दस ए की वैल्यू बी की वैल्यू देन वन अपॉन टी लॉक डी वन अपॉन टी लॉक डी लॉगे माइनस लॉक बी लॉगे अपॉन लॉक बी ठीक है आई होप इट्स क्लियर ओके ओके गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ओके गाइस हमारी वीडियो यही फिनिश होती है एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फाइव के साथ खत्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेवन पॉइंट सिक्स के साथ ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टे सेफ स्टे होम